नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफिन में। मैं हूं अरविंद। और रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाली एक चिकन स्टार्टर डिश है जिसका नाम है बीबीक्यू चिकन। आज हम वो घर पे क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम 400 ग्राम चिकन विंग्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें स्वादानुसार नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच के करीब ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। बारबेक्यू सॉस और हनी के साथ बनने वाला ये स्टार्टर डिश बहुत ही क्रिस्पी, मीठा और स्पाइसी होता है। एक बार ज़रूर बनाएं। एक कोटिंग के लिए एक बाउल में 2 कप मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, स्वादानुसार नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए डालेंगे। इन सबको विक्स से मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को इसमें कोट करेंगे। अब चिकन को अच्छे से कोट करते हैं। चिकन हमारा क्लब कोट हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। चिकन को फ्राई करके निकालेंगे, क्रिस्प फ्राई करेंगे। 10 से 12 मिनट तक चिकन को फ्राई करना है। एक कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, थोड़ा कुकिंग ऑयल। आंच को मीडियम रखना है। चिकन के पीसेस को एक्सेस मैदा झाड़ के अंदर डाल लें और थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में हम फ्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और लाजवाब रेसिपी है। पार्ट बाय पार्ट आप इसको बनाने के लिए चेक करें। पहले पार्ट में चिकन को मैरिनेट करके कोट करना, सेकंड पार्ट फ्राई करना है और थर्ड पार्ट में इसको बारबेक्यू सॉस और हनी के साथ मिला के हल्का सा कुक करें। तैयार हो जाएगा बारबेक्यू चिकन। क्रिस्प फ्राई हो गया है, 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चिकन को निकाल लेते हैं बटर पेपर पे या टिश्यू पेपर पे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाएगा। चिकन हमारा क्रिस्प फ्राई हो गया है। अब हम सॉस क्रिएट करेंगे। एक पैन में डालते हैं 1 कप बारबेक्यू सॉस। आसानी से मार्केट में मिल जाता है बारबेक्यू सॉस। 3-4 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे, शहद। 1 चम्मच रेड चिली पेस्ट यूज करेंगे। सबको अच्छे से मिलाएं करछी की सहायता से। काली मिर्च की वजह से स्पाइसी होगा, हनी की वजह से मीठा होगा। बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। फ्राइड किए हुए चिकन को मिक्स कर देते हैं। स्पैचुला से इसको हिला के अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे अच्छे से ये सॉस कोट हो जाए चिकन के ऊपर। ये देखिए कितना अच्छा कलर, लाल कलर। मिक्स करें अच्छे से। आप किसी भी रेस्टोरेंट में बारबेक्यू चिकन को ले सकते हैं। किसी भी ड्रिंक के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तैयार हो गया अपना बीबीक्यू चिकन। इसको प्लेट सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं फोक की सहायता से। अच्छे से डेकोरेट करें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तैयार है बीबीक्यू चिकन। इसको गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करेंगे भुने हुए तिल के साथ।
ये रोस्टेड तिल के बीज हैं, थोड़ा हरा धनिया बिठाते हैं ऊपर और तैयार।